तो क्या गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी अंकिता भंडारी की मां? सार्वजनिक मंच पर हुई बड़ी घोषणा, जाने क्या कहती हैं सोनी देवी। जनपद पौड़ी के श्रीनगर में आज भू कानून और मूल निवास को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की भी गुहार लगाई गई। वहीं दूसरी ओर बीते 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता को शुरुआती समय से मदद दे रहे आशीष नेगी ने सार्वजनिक मंच पर यह घोषणा की है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों से लड़ना काफी भारी पड़ रहा है, ऐसे में हमें भी राजनीतिक रूप से लड़ना होगा। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा करते हुए कहा कि अंकिता की मां सोनी देवी गढ़वाल सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और आशुतोष नेगी और अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी दिलाने का काम करेंगी। जो पीड़ा मुझे है बेटियों की, मैंने अपनी बेटी को खोया है। जो दर्द मुझे है, मैं ही समझती हूँ कि बेटी का दर्द क्या होता है। अगर इसके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगी और अपने भाई आशुतोष को रिहाई के लिए अपील करूंगी। वहीं अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने बताया कि उनकी बेटी वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उत्तराखंड की दूसरी बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए और अपने भाई आशुतोष नेगी की रिहाई के चलते अगर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।